इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन का नेट ऑन होते हुए भी व्हाट्सएप में सिंगल टिक कैसे शो करा सकते हैं। जैसे कि हमें व्हाट्सएप में कोई भी बंदा मैसेज करता है तो उसे व्हाट्सएप में डबल टिक शो हो जाता है, लेकिन आप चाहते हैं कि उसे सिर्फ सिंगल टिक ही शो हो, तो इस वीडियो में आपको एक सेटिंग बताऊँगा जिससे करने के बाद कोई भी बंदा आपको व्हाट्सएप में मैसेज करेगा तो उसे सिर्फ सिंगल टिक ही शो होगा। तो वीडियो को कम्प्लीट लास्ट तक देखिएगा, और यदि आप चैनल पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी यहाँ पर हम व्हाट्सएप में जाते हैं, और यदि हम व्हाट्सएप की सेटिंग में सिंगल टिक का फीचर यहां पर ढूंढते हैं तो ऐसा कोई भी फीचर नहीं मिलता है जिससे कि हम सामने वाले को सिंगल टिक शो करा सके। लेकिन आपके फोन की सेटिंग में फीचर अवेलेबल है, इसके लिए आपको जाना है अपने फोन की सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहां पर आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एप्स का। हो सकता है कि आपके फोन में कोई दूसरी सेटिंग हो तो एप्लीकेशन या फिर ऐप मैनेजमेंट नाम से ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पर चले जाना है। इस पर आने के बाद यहां पर आपको मैनेज ऐप्स का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको मैनेज ऐप्स के ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ पर आपको आपके फोन में जितने भी ऐप इंस्टॉल होंगे वो सारे के सारे ऐप आपको दिखाई देंगे, तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और आपको सर्च कर लेना है व्हाट्सएप को। आपको ऊपर सर्च बार का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप टाइप करेंगे व्हाट्सएप तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है तो आपके सामने व्हाट्सएप की इंटरनल सेटिंग खुल के आ जाएगी। यदि आप इस पेज पर नहीं आ पा रहे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने व्हाट्सएप को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना है तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर ऐप इन्फो का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के इंटरनल सेटिंग में आ जाएंगे। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन सर्च करना है, यहां पर आप नीचे आएंगे तो आपको यहां पर रिस्ट्रिक्टेड डेटा यूजेस नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। यदि ये ऑप्शन यहां पर नहीं मिलता है तो आपको स्टोरेज के जस्ट नीचे डेटा यूजेस नाम से भी ऑप्शन मिल सकता है, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको नीचे चार ऑप्शन मिलेंगे, बैकग्राउंड डेटा, वाईफाई, मोबाइल डेटा, सिम वन और सिम टू का। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैकग्राउंड डेटा को यहां से ऑफ कर देना है। इसके बाद यहां पर आप जिस भी सिम से नेट यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैं अपने सेकंड सिम से नेट यूज करता हूं तो यहां पर मैं सेकंड सिम के ऑप्शन को बंद कर दूंगा, और यदि आप फर्स्ट नंबर के सिम से नेट यूज कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को बंद कर देना है। इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके फोन का इंटरनेट बंद होगा, आपके फोन का इंटरनेट पूरी तरह से चलता रहेगा। अब यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर यदि कोई बंदा आपको मैसेज करता है तो उसे सिर्फ सिंगल टिक ही शो होगा। जैसा कि यहां पर देखिए, मैं काफी सारे अपने नंबर पर मैसेज कर रहा हूं लेकिन यहां पर सिंगल टिक ही शो हो रहा है। तो इस तरह से आप व्हाट्सएप में सिंगल टिक की सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।